नहीं कर पाए वो पुश पे, एंड वीएसजी क्रॉलर्स के एचपी को एक अच्छा खासा यू नो टीपीपी एंगल भी मिला था, उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया, नॉक दिया, वापस गए, फिर रिलोड किया, फिर वापस से नॉक दिया, दो बंदों को जिस काम के लिए उनको तैनात करा गया था वो काम जरूर किया, और अभी ने आके वहां पे उनको फिनिश करा। एंड आजकल टीपीपी में जितने भी फाइट्स होते हैं वो इनिशिएट जो होते हैं, फाइट की इनिशिएशन जैसे होती है तो वो ग्रेनेड से होती है। तो आई थिंक आजकल जो टीम्स की जो अगर स्किल्स की बात करें वो बहुत ज्यादा जज हो जा रही है आजकल उनके ग्रेनेडिंग पे, और बहुत ही ऐसे कम ग्रेनेडियर्स हैं जिनका बहुत कम मिस होता है। इवन मांटी एक बहुत अच्छा ग्रेनेडियर के हिसाब से जाने माने जाते हैं, तो इनफैक्ट आज नहीं खेल रहे। और सोल के मॉर्टल इन इवन टीम आइंडी स्लेयर, इवन हमने देखा है दलजीत को और गिल को भी अच्छा ग्रेनेड्स करते हुए। तो सारे टीम्स को अभी ये एक यू नो स्किल सेट है जो अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाइनीज प्लेयर्स की बात करें, चाइनीज प्लेयर्स का आपको पता है 8 या 9 नेट्स तो ऐसे बारिश होता है, मतलब ऐसे लग रहा है कि ओले बरस रहे हैं और वो ओलों से लोग इंस्टेंटली नॉकआउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक अच्छा खासा हाई ग्राउंड पोजिशन लेते हुए बैठी हुई है। टीम टीएसएम एंटिटी के खाते थोड़े से मुझे ऑपोजिट लग रहे हैं, क्योंकि एक सब तरफ से एंगल जरूर उनके पास कवर है बट दूसरे तरफ से नहीं है। फिलहाल घातक यहाँ पे पुशिंग करते हुए टीम ऑरेंज रॉक की तरफ नियो को स्पॉट कर लिया गया है। मवी ने यहाँ पे स्प्रे डाउन करेंगे और बिल्कुल नहीं चुकेंगे, मवी का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नॉक आता हुआ, यहाँ पे फाइट छिड़ चुकी है टीम ऑरेंज रॉक और टीम टीएसएम एंटिटी के बीच में। ऑलरेडी घातक को भी रेड एचपी पे कर दिया है, घातक को इंस्टेंटली फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा, इस चीज का कैपिटलाइज जरूर करेंगे। मवी का यहाँ पे दूसरा नॉक भी आता हुआ, यहाँ पे जी गॉड मवी को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए, जी गॉड यहाँ पे एंटो को भी नॉकआउट करते हुए, तो टीम टीएसएम एंटिटी के जी गॉड यहाँ पे फरिश्ते जैसे निभर के आए हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑरेंज रॉक के पप्पाया स्प्रे डाउन करते हुए, यहाँ पे जॉनथन को भी नॉक कर दिया, और जॉनथन अच्छा मूवमेंट दिखा रहे थे जरूर, बट वंपायर वाज क्विक इनफ टू रिस्पॉन्ड एंड रिटालिएट, और जी गॉड यहाँ पे आई थिंक टीम टीएसएम एंटिटी के लास्ट प्लेयर बचे, और यहाँ पे वंपायर का उड़ते हुए स्प्रे आता हुआ इंस्टेंटली वाइप डाउन करते हुए टीम टीएसएम एंटिटी को, बहुत ही बेहतरीन किल्स निकालती हुई टीम ऑरेंज रॉक की स्क्वाड। एग्जैक्टली काफी ज्यादा मैं बोलूंगा कि तरीके से खेला गया, और आखिरी के अंदर वेम्पायर का जो स्टाइल पॉइंट्स वाला किल था वो भी काफी अच्छा था। एंड उन्होंने एक बहुत बड़े कहते हैं ना, यू हैव लिटरली किल्ड द शार्क ऑफ द ओशन, और वही तरीके से उन्होंने टीएसएम एंटिटी को गेम से बाहर निकाला। अब गेम के अंदर थोड़ी और प्रोग्रेस करेंगे, ये फाइनल रैंक है, यहाँ पर एक अंक मिलेगा, 13 से लेकर 20 तक मिलते हैं, इसके बाद जितनी भी टीम देंगे उनको पोजिशनिंग के अंदर थोड़ा तो फायदा